हे गाइस, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज सिलॉग्स की हम वीडियो करने वाले हैं। अगर आपने सिलॉजिज्म की पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो वहाँ ऊपर लिंक आ रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं अगर आपको बेसिक्स नहीं पता है। अगर आपको बेसिक्स पता है तो आगे बढ़ते हैं। पहला आप वीडियो को पॉज करके खुद क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए, उसके बाद फिर मैं कराता हूँ, आप मेरी अप्रोच देखिएगा। सबसे पहली स्टेटमेंट दी है, नो रेड इज ब्लैक। क्रॉस लगा देंगे, कोई भी रेड ब्लैक नहीं हो सकता है। ऑल ब्लैक्स आर ग्रीन, ऑल ब्लैक्स आर ग्रीन, और फिर ऑल ग्रीन्स आर येल्लो। तो ये हमारा वेन डायग्राम मिल गया। अब हम वेन डायग्राम को हमारे कंक्लूजन से मिला के देखेंगे कि हमारे कौन कौन से कंक्लूजन सही हैं। तो सबसे पहला है कि ऑल ब्लैक्स आर येल्लो, तो सारे के सारे जो ब्लैक है वो हमें येल्लो के अंदर दिख रहे हैं, तो पहला वाला ठीक होगा। फिर एटलीस्ट सम येल्लो आर ग्रीन, एटलीस्ट सम येल्लो आर ग्रीन, तो कुछ येल्लो तो एटलीस्ट ग्रीन है, हमें दिख रहा है, पता है, ठीक है। दूसरा भी ठीक है, और तीसरा हमें दे रखा है कि नो रेड इज येल्लो, तो वो कंफर्म नहीं है हमारा। ये ब्लैक में है कि रेड और ब्लैक आपस में नहीं मिलेंगे, पर येल्लो अगर हम थोड़ा और बड़ा बनाते तो उसके अंदर रेड भी आ जाता, तो नो रेड इज येल्लो जो अफर्मेटिव है वो गलत होगी। तो इसका आंसर होगा हमारा ओनली वन एंड टू आर करेक्ट, ओनली वन एंड टू आर करेक्ट, थर्ड इज रॉन्ग, ऐसा कुछ होगा, ओनली वन एंड टू आर करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, पॉज करके आप एक बार खुद सॉल्व कर लीजिए, फिर मेरी अप्रोच देखिएगा। तो सॉल्व कर लिया होगा आपने, अगर नहीं हुआ तो देखिए। अ फ्यू सेल्समैन आर गर्ल्स, सेल्समैन सेल्सवुमन है, इसको एस एम लिख लेंगे, इसको एस डब्ल्यू लिख लेंगे। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि वो अ फ्यू और ओनली अ फ्यू में कंफ्यूज जाते हैं। अ फ्यू का मतलब यह है कि इसमें ये पूरा भी जा सकता है, अ फ्यू सम की तरह होता है कि अ फ्यू को आप सम भी लिख सकते हैं कि सम सेल्समैन आर गर्ल्स, इसमें ऑल ऑल जा सकता है। पर ओनली अ फ्यू में क्या होता है कि सेल्समैन में आप एक और गोला बना के यहाँ कार्ड देते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि आप सेल्समैन सारे के सारे तो कभी नहीं जाएंगे, सिर्फ कुछ ही होंगे। अब वो इतने हो इतने हो, पर कुछ हिस्सा तो हमेशा होगा जो कि इसमें नहीं जाएगा। ये इसमें पूरा जा सकता है पर ये इसमें पूरा नहीं जाता, ये मैंने पुरानी वीडियोस में बताया, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उनको जरूर देख लीजिएगा। फिर ऑल गर्ल्स आर सेल्सवुमन, सम सेल्सवुमन आर वाइव्स, इसको इधर को बना लेंगे, चेक कर दें। सम सेल्सवुमन आर सेल्समैन, तो सेल्सवुमन और ये हिस्सा तो दोनों में कॉमन है, तो पहला वाला ठीक है। सम वाइव्स आर गर्ल्स, कोई कन्फर्मेशन नहीं है, सम वाइव्स कैन बी गर्ल, बट आर गलत हो जाएगा, और सम वाइव्स आर गर्ल्स नहीं हो पाएगा इसलिए, और सम नहीं होगा तो ऑल तो हो ही नहीं सकता है कि ऑल गर्ल्स आर वाइव्स, नहीं बिल्कुल नहीं। सम वाइव्स कैन बी गर्ल्स या ऑल गर्ल्स कैन बी, तो अगर यहाँ आर की जगह कैन बी होता, कैन बी या मे बी ऐसी स्टेटमेंट होती जो कोई कन्फर्मेशन नहीं मांगती है, तो ये दोनों ऑप्शन सही होते, पर हमको यहाँ ऐसा स्टेटमेंट मांगी है, हमसे कंफर्मेशन मांगी है कि है, तो गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन, आप एक बार पॉज करके खुद से सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद फिर मैं कराता हूं। तो अगर आपसे नहीं हुआ या आपको नहीं अप्रोच देखिए, ओनली ये है ओनली अ फ्यू वाला जिसकी मैं बात कर रहा था, इसमें काफी दिक्कत आती है लोगों को। ओनली अ फ्यू का मतलब होता है कि सिर्फ कुछ, सिर्फ, तो ओनली अ फ्यू शॉर्टर गन, तो शॉर्ट और गन, और हमने एक ये बनाया कि ये हिस्सा तो कभी इसमें नहीं जा सकता, हमने ऐसा बना के क्रॉस कर दिया कि ये हिस्सा कभी नहीं जा सकता। जैसे हम वेन डायग्राम बना रहे थे, ये भी एक वेन है, छोटा गोला बना सकते हैं, पर कॉपी वगैरह में इतने छोटे गोले बनते नहीं, यहाँ बोर्ड पर तो खैर बन सकता था। फिर सम गन आर पावर, सम गन इज पी, ऑल पावर जो है बुक, और ये वैसे भी सच है, पावर किताबों में ही होती है। कंक्लूजन्स चेक करेंगे हम वेन डायग्राम से। सम पावर आर शॉर्ट, तो कुछ पावर शॉर्ट दिख रहा है, नहीं तो पहला गलत हो जाएगा हमारा, पहला गलत। ऑल शॉर्ट आर गन, मैंने अभी बताया कि ये इसमें कभी भी पूरा नहीं जा सकता, ये इसमें पूरा जा सकता है, इसमें शॉर्ट और गन दो चीजें हैं। जो ओनली अ फ्यू जिसका होता है, ये इसमें कभी भी पूरा नहीं जा सकता, पर ये इसमें पूरा का पूरा जा सकता है, ठीक है। तो ऑल शॉर्टर गन नहीं हो सकता क्योंकि ये इस गोला जो बनाया है
ये कभी भी इस हिस्से में नहीं जा सकता, ये पूरा इसमें नहीं जा सकता है। फिर सम बुक इज गन, तो सम बुक तो दिख रही है, ठीक है। फिर ऑल गन आर शॉर्ट, तो ऑल गन आर शॉर्ट नहीं होगा, मतलब तो क्यों नहीं होगा, आप बोलो इसमें तो जा सकते थे, आपने कहे थे हाँ जा सकता है, पर आर पूछा है, इसमें अगर आता कि ऑल गन कैन बी शॉर्ट तब वो सही होता, पर आर तो नहीं है ना, हमको कोई पक्का नहीं पता। ऑल गन कैन बी शॉर्ट, इट कैन बी, ऐसा हो सकता है पर अभी हुआ नहीं है। जैसे राहुल गांधी कैन बी प्राइम मिनिस्टर, बट राहुल गांधी इज नॉट प्राइम मिनिस्टर, कोई भी बन सकता है, जो मिनिमम क्राइटेरिया है 30 साल से ऊपर का चाहिए, इंडिया का नागरिक होना चाहिए, कोई भी बन सकता है। अगर आप 30 साल से ऊपर हैं, आप इंडिया के नागरिक हैं, आप बन सकते हैं, तो ये वाली बात है कि इट कैन बी, बट अभी नहीं है, ये कन्फर्मेशन मांग रहा है कि ऐसा हो सकता है, हम कह रहे हैं पर ऐसा हुआ नहीं है अभी। तो ऑल गन कैन बी शॉर्ट सही होता, ऑल गन आर शॉर्ट गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए, एक बार सॉल्व कर लीजिए, अगर ना आए तो फिर मैं कराता हूँ। तो आपने कर लिया वो सॉल्व, पॉज करके बढ़ते हैं आगे। बड़ा 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 बनाएंगे। फ्यू स्पीकर्स आर फोन, कुछ स्पीकर फोन है। ओनली स्पीकर्स आर कैमरास, और ये इसको हम ऐसे से डैश कर देंगे, इसका मतलब ये है कि इसमें और कुछ नहीं आ सकता। जैसे हमारी कंडीशन, अगर मान लीजिए एक कंडीशन होती सम माइक्रोफोन्स आर स्पीकर, तो आप माइक्रोफोन को स्पीकर को इस पे टच नहीं कर सकते थे। जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा ओनली सम माइक्रोफोन्स आर स्पीकर, तो आपको माइक्रोफोन ऐसा बनाना पड़ता है, इसमें कुछ और भी चीज़ नहीं जाएगी स्पीकर के अलावा, ना ये किसी और में जाएगा ना इसमें कुछ जाएगा। ओनली का मतलब ये होता है ओनली स्पीकर। फिर कंफ्यूजन से मैच करते हैं हमारे वेंडाग्राम को, ये साइड का है, इसको कुछ नहीं है, ये हटा दिए। कंफ्यूजन, नो स्पीकर इज फोन, तो ये हटा दिया है। कंफ्यूजन लाते हैं, तो नो स्पीकर इज फोन, पर ये गलत है क्योंकि हमको स्पीकर और फोन दिख रहा है यहाँ पे, तो पहला ये तो गलत हो जाएगा। सम फोन्स आर स्पीकर, ठीक है ये ठीक है। यहाँ कुछ कैमरे का कंक्लूजन आया नहीं, पर अगर मान लीजिए यहाँ पे जैसा होता कि कैमरे में कुछ जा रहा है, तो हमने जैसे लिखे कि सम माइक्रोफोन, जो मैंने बताया सम माइक्रोफोन आर कैमराज, तो वो गलत होता है। या सम माइक्रोफोन कैन बी कैमराज, कैन बी भी गलत होगा, या सम फोन्स कैन बी कैमरा, तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? वैसे जा सकते हैं, इनके बीच में कोई क्रॉस नहीं बना आप बोलेंगे, पर नहीं, कैमरा में कुछ भी नहीं जा सकता, कैमरा में हमने कम्प्लीटली इसलिए क्रॉस कर दिया। ओनली का मतलब ये क्रॉस है, जहां पे भी क्रॉस लग जाए, ये काटे लग जाए, इसका मतलब है क्रॉस, इसको इसका मतलब क्रॉस है, इसमें से दिखते हैं इसलिए ऐसे से काट देते हैं, इसका मतलब है कि इसमें कुछ और भी नहीं जा सकता, ये जहां पर है या इसमें जो है बस वही रहेगा। तो इस वीडियो के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और IBPS क्लर्क का आज आपका मेंस भी है, आज वीडियो अपलोड हो गई है, आपका मेंस अच्छा गया होगा, कमेंट्स में आप ये जरूर बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और कैसा गया, आपकी शिफ्ट कौन सी थी, स्टेट कौन सा था, जरूर कमेंट छोड़िए। थैंक यू।